एयरपोर्ट पर हाथ में तकिया लेकर पहुंची जाह्नवी कपूर, यूजर बोले बेड भी साथ ले आती। जाह्नवी कपूर इन दिनों डायफ पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। हालांकि फिल्म का टाइटल नहीं बताया गया है, पर इसे कारगिल गर्ल बताया जा रहा है। जाह्नवी कपूर इन दिनों डायफ पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। हालांकि फिल्म का टाइटल नहीं बताया गया है, पर इसे कारगिल गर्ल बताया जा रहा है। टाइट शेड्यूल की वजह से जाह्नवी कपूर के लिए इसे मैनेज करना आसान नहीं है। जाह्नवी कपूर हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। एयरपोर्ट पर जाह्नवी कपूर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में जाह्नवी कपूर हाथ में तकिया लिए एयरपोर्ट में एंट्री करते नजर आ रही हैं। ब्लैक पाजामा और टी शर्ट में जाह्नवी कपूर कम्फर्ट लुक में नजर आ रही हैं। उनके चेहरे को देखकर टाइट शेड्यूल की थकान का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जाह्नवी कपूर का एयरपोर्ट पर हाथ में तकिया लेकर दिखाना यूजर्स के लिए दिलचस्पी का विषय है। लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, ये स्टार्स बस चले साथ में बेड लेकर चला करें। जाह्नवी कपूर को ट्रोलिंग करने के साथ कुछ लोग जाह्नवी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक ट्रेस बिजी शेड्यूल की वजह से सो नहीं पा रही हैं, इसलिए फ्लाइट में कम्फर्ट के लिए साथ तकिया लेकर निकली हैं। एक्टर भी इंसान होते हैं, उन्हें स्पेस की जरूरत है। बता दें जाह्नवी कपूर आईएफ पायलट गुंजन सक्सेना के बाद फिल्म रूहिया अफजा में भी काम कर रही हैं। इस फिल्म में जाह्नवी के अपोजिट राजकुमार राव नजर आएंगे।